have a good morning everyone i really hope you all did great एंड स्टेइंग absolutely safe सेफ एज वेल एक नया दिन 23 फरवरी का और आपकी जो डी सी है डेली डोज ऑफ़ करंटफेयर है वो यहाँ पर हाजिर है मैं आकाशेव आप सबके समक्ष ये आपकी जो डेली डोज ऑफ करंटफेयर वो लेकर हाजिर हुआ है रियली होप कि आज की भी जो करंट अफेयर की डोज़ है उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर पाएंगे बाकी चीज़ों के साथ भी एंड उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है तो कुछ आठ न्यूज़ होंगी जिसको बढ़िया तरीके से एनालाइज़ किया जाएगा यहाँ एंड आई एम होपफुल कि इससे आपको जो अच्छी क्लैरिटी होती है वो जरूर मिलेगी सो so, ऑफकोर्स जैसे कि हमेशा होता ही है विल सर्टनली स्टार्ट विद द हेडलाइंस आज की जो हेडलाइंस है उनसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किए हैं कुछ क्वेश्चन उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहली जो यहाँ पे चीज़ है वो देखते हैं हम लोग इंडिया एंड चाइना हैल्ड द ट्वेंटी फर्स्ट राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल मीटिंग इसकी हम बात करेंगे उट we'll मल्टी uh, जो नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है शांति प्रयास इट कि नेपाली काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है विल टॉक अबाउट दैट धर्मेंद्र प्रधान ने इनागरेट किया है स्किल इंडिया सेंटर इन उड़ीसा ये सबसे पहला है वहाँ पे माल्टा एक सौ उन्नीसवीं कंट्री बन गई है जिसने इंटरनेशनल सोलर लाइन्स को ज्वाइन किया ऑफकोर्स मतलब वन नाइनटीन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइन्स है माल्टा शशि थरूर को फ्रांस का हाइएस्ट अवार्ड मिला है विच इज़ लेजेंड डी ऑनर की हम बात करते हैं तो वो हाईएस्ट अवार्ड होता है आपको पता है फ्रांस का तो ये इनको दिया जा चुका है अगेन दैट समथिंग वी हैव टू नो ऑन टॉप ऑफ दैट कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉपर एन मिनिस्ट्री ठीक है जो भी लोग बाहर रह रहे हैं एन उनके लिए एक प्रॉपर मिनिस्ट्री यहाँ पर बन रही है उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी क्रीवाइंस हैं उनको ध्यान में रखने के लिए वर्ल्ड्स हाइएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन ये ऑर्गेनाइज़ की गई है लेक लद्दाख में ए डी ए इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है एम ओ यू फॉर तेजस वेपन इंटीग्रेशन ए डी ए क्या है कहाँ पर बेस्ड है हर एक चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा तो आज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगी चीज़ों की हर एक जो न्यूज आइटम्स हैं विल सर्टली सी कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे बढ़िया से आप माइंड में रखते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज आप नोटिस ज़रूर करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर रोज़ राइट एट सेवन एम इन द मॉर्निंग आपको आपकी डेली डोज ऑफ अफेयर मिलती है एवरी डे और 11 बजे मैं लाइव आता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके जो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे कभी पर्सनल न्यूज़ कभी प्लेसेस इन न्यूज़ अभी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो चल रहे हैं बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ गुड डील ऑफ आइडिया अबाउट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी ठीक है जी एंड ऐप के ऊपर भी सेशनस होते हैं हमारे रेगुलर बेसिस पे होते हैं आई टॉक द ऐप के सेशन्स तो बस आप ये ध्यान में रखिएगा जैसे वी एट टाइम्स टॉक अबाउट थ्री पी सेशन जो कि मैं लेता हूँ बाकी भी आपको जो फैकल्टीज है उनके सेशनस यहाँ देख रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू आपके ऑफकोर्स तैयारी में ऐड कर ही रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्लियर सो आई एम श्योर मतलब कुछ कुछ जो भी एस्पेक्ट्स आपको नहीं समझ आते हैं पहले या कुछ जो भी समझ आए हैं उससे आप खुद से एक बढ़िया पिक्चर जो है दिमाग में अपने क्लियर कर सकते हैं कि कैसे कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं मैं एंड में क्विज भी कराता हूँ तो इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा स्टार्ट करते हैं बेटे यहाँ पे इंडिया और चाइना ने अपनी इक्कीसवीं कोर कमांडर लेवल मीटिंग की सबसे पहले तो आप समझ लो जब मैं कोर कमांडर लेवल मीटिंग बोलता हूँ मतलब थ्री स्टार जनरल जैसे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं तो उस लेवल का एक ऑफिसर होगा जो यहाँ पर मीटिंग कर रहा है दोनों साइड से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है एंड इट वॉज हेल्ड वेयर अब ये वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जी चुनशुल मोल्डो बॉर्डर जो है वहां पे जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है वहां पे हमने देखा इसको करवाया गया एंड दिस हैज बीन टू ओनली आफ्टर द हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हेल्ड ड्यूरिंग दिस वेरी पीरियड तो आप पहले तो एक चीज नोटिस करें कि चुनसुल जो चुनसल मोल्दो है वेयर एग्जैक्टली इज इट ठीक है ये मतलब कई बार क्वेश्चन आता है ना कि भाई चुशुल मोल्दो है कहां पे तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा काफी इंटरेस्टिंग है ये वैसे तो विल टॉक अबाउट दैट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ये देखिए, पे क्या है इन्होंने वो कैप्चर किया हुआ है ठीक है तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूं सो वी है देख रहे हैं आपको अब आप ये देखें ये क्या चूशुल और इधर क्या है स्पैंगू गैप तो आप जब बात करते हैं स्पेंग्र गैप की यहीं पे है बेसिकली मोलदो तो ये चूशल मोल्दो की हम जब बात कर रहे हैं सो दिस इज़ द जोन बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ तो बस आप एक चीज़ नोटिस करना कि पैंग सो की हम जब बात करते हैं उसके पास ही ले से थोड़ा सा दूर है सो इट इज़ अल्टीमेटली नियर द लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल जहाँ पे एक और कमांडर लेवल टॉक्स हुई हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछेगा कि कहाँ पर है सॉर्टेड। हैविंग सेड दैट अब आप यहाँ पे ये नोटिस करिएगा इन द टॉक्स अभी जो हुई हैं देर वॉज़ नो क्लियर डिस्कशन ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट जो कि आपको पता है कि काफ़ी देर से चल रहा है हमने दारबुक शोक दौलत बेग ओल्दी रोड भी बनाई ठीक है और रस्ते में आपको पता ही है कि किस तरह से जो गलवान का पूरा इशू हुआ दैट वॉज अ वेरी सीरियस इशू अगर आप देखते हैं भूटान के साथ भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे डोकलाम का इशू जो है फिर चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर देता है तो इस तरह की जो चीजें हैं ऑफ एंड ऑन ये चली रहती हैं चाइना के साथ दिस एक्चुअली सीरियस थिंग सो वी हैव टू नो कि कैसे हमें इन चीजों को प्रॉपर तरीके से रिजोल्व करना है दिस इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस समझ आया इतना नाउ हैविंग सेड दैट एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जो कोर कमांडर लेवल टॉक्स होती हैं वो जो बॉर्डर के ऊपर ऐट दैट वेरी मोमेंट जो मतलब हम देखते थे सोल्जर्स हैं हमारे या जो भी आर्म फोर्स के जो पर्सनल्स हैं जो वहाँ पर पोस्टेड हैं ये बेसिकली उस जोन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हम लोग किस प्रकार से जो कमिटमेंट कर रहे हैं पीस को मेनटेन करने की बॉर्डर एरियाज में स्पेशली ये उस एरिए के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं तो ये आप याद रखेगा कोर कमांडर लेवल पर इस तरह की जो टॉक्स हो रही हैं तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था एनी वेज नाव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज शांति प्रयास फोर अब अगर शांति प्रयास फोर की बात आ रही है, मतलब बढ़िया कहाँ पे हो रहा है नेपाल में हो रहा है वेरी गुड सो बिफोर ए मूव हेड में आपको बताना चाहूंगा ये जो एक्सरसाइज है ये चौथी बार तो हो रही है लेकिन यह बहुत गैप्स के बाद हो रही है जैसे स्टार्ट uh, हुई थी टू में उसके बाद हमने देखा काफी साल तक नहीं हुई फिर हुई दो में फिर काफी साल नहीं हुई फिर हुई 2017 में फिर काफी साल नहीं हुई अब जाके 2024 में हुई है तो आई होप यू अंडरस्टैंड किसके जो एडिशंस हैं वो कितने-कितने गैप -कितने के बाद हो रहे हैं फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन थर्ड एडिशन एंड दे गॉट द फोर्थ एडिशन दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू लुक इनटू समझ आया कि नहीं आया तो आपको ये पॉइंट बहुत क्लियरली पता होना चाहिए पहली बात तो कि काफी देर देर बाद हमने देखा है इसके जो एडिशंस हुए हैं एनीवेज तो हमने क्या देखा ये कैसी एक्सरसाइज है एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है नाम के शांति प्रयास फोर मतलब तो फोर्थ एडिशन होता है हमने देखा नेपाल में हुई है और आर्मी हेडकुआटर जो नेपाल के वहीं पे हुई है ना व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि 19 कंट्रीज जैसे इंडिया है बांग्लादेश है पाकिस्तान है इंटरऑपरेटिबिलिटी के लिए और स्पेशली पीस कीपिंग स्किल्स के लिए यहाँ पे करवाया गया पीस कीपिंग स्किल्स क्या है आप नोटिस करेंगे यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज अपने ट्रूप्स भेजती है उसमें ऑफ कोर्स इंडिया भी भेजता है ट्रूप्स तो यू हैव टू नो वन थिंग कि इसी चीज़ को और एनहांस करने के लिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करवाया गया so सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट पचास किलोमीटर काठमांडू से दूर है जहाँ पर ये हुई है तो ये आपको पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी एक्सरसाइज विद द नेम ऑफ शांति प्रयास तो ये तो आई थिंक अब आपको पता चल गया है एक्सरसाइज शांति प्रयास की बात हो रही है यहाँ पे देखो नेपाल का फ्लैग है तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का भी फ्लैग है दिस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट थिंग तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे शांति नाम से पीस का पता चलता है ना आपको शांति प्रयास तो यही ये यह भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है फिर भी इंडिया कर रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे वी आर फोकसिंग ऑन द पीस कीपिंग ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं वो मेन हमारा फोकस है यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दिस वॉज ऑल ऑफ द न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज और आप एक चीज देखें यहाँ पे वीरेंद्र पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर है नेपाल में मतलब एक प्रॉपर सेंटर है काठमांडू के पास वहां पे हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे आर्मी पर्सनल 19 कंट्री से आए हैं अलग अलग कंट्री से आए हैं यहाँ पे तो ये बहुत शानदार तरीके से करवाएगा तो आप ये देखो नेपाल के पास अपना क्या है एक प्रॉपर पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर है देव गॉट देयर ओन

बढ़िया तरीके से पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए लोगों को ट्रेन किया जा सके दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अकॉर्डिंग टू द सेंटर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज क्या है अब ये जो मार्च तक चलेगी बेसिकली कि पीस कीपिंग स्किल्स बढ़िया हो जाए अलग अलग लेवल्स पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए जब भी हम लोग बात करते हैं यू नो ऑपरेशनल स्टाफ लेवल ट्रेनिंग वो सब यहाँ पे करवाई जा रही है इसलिए भी आप देख रहे हो कि इंडिया की पार्टिसिपेशन हुई है और ये मैं आई थिंक आपको बता चुका हूँ 2000 में भी हो चुकी है फिर 2013 में हुई है शांति प्रयास फिर 2017 में हुई और अब 2024 में हो रही है ये वाला तो अब आपको समझ आ गया होगा, है ना आई होप यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास आप सबके लिए ध्यान से देखिएगा इंडियन आर्मी हैीस कीपिंग ऑपरेशन ठीक है सीयूएनपी के बोलते हैं सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस ये कहां पर किया है सेटअप ये आप बताएंगे इसकी लोकेशन क्या है दैट्स इट इंडियन आर्मी ने कहां पर इंडिया में अब देखो नेपाल का तो हमें पता चल गया नेपाल में वी हैव गॉट अ प्रॉपर बिरेन्द्र पीस ऑपरेशन ओपरे, ट्रेनिंग सेंटर ठीक है लेकिन माय क्वेश्चन इज कि इंडिया में इस तरह का जो आ, सेंटर है वो कहां पे बना है Uh, ये आप थोड़ा सा बताएंगे दिस इज ऑफकोर्स ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस ये आप ध्यान में रखिएगा अच्छा आपको पता है बीरेंद्र कौन थे एनी ये ये जो नेपाल के यहाँ पे अगर नाम आपने देखा हो दिस वन बीरेंद्र पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर मेरे अभी दिमाग में आया था यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो बीरेंद्र सो ही वॉज द किंग ऑफ नेपाल 1972 से 2001 तक ये किंग थे ठीक है बिरेंद्र जो थे ही वाज़ द किंग ऑफ नेपाल ठीक है इनकी असैसिनेशन हो गई थी सो ही वाज़ असैसिनेटेड बेसिकली एंड इट वाज़ अ बिग असैसिनेशन बहुत ज़्यादा एक uh, मतलब बड़े लेवल पे इन फेमस मैं बोलूंगा उसको जो हुई है तो रॉयल मैसेकेयर की हम लोग जो बात करते हैं ना बिल्कुल तो मतलब ऑल ऑलमोस्ट ऑल फैमिली वाज़ किल्ड हाँ जो ज्ञानेंद्र शाह हैं वो बच गए थे तो so, बाद में मतलब वो थोड़ा सा ध्यान में रखेगा सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू लुक इन टू चलो इतना क्लियर हुआ बेटे आपको सो so, मतलब हमें थोड़ा बहुत ये जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए ओनली देन वी कैन हैव अ गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग चले मूविंग हेड अब ये देखिएगा फर्स्ट स्किल सेंटर जो है उड़ीसा में स्किल इंडिया सेंटर इन उड़ीसा उसको इनाग्रेट किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा तो आप एक चीज़ देखो ये कहाँ पर किया गया है स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा में संबलपुर पता कौन सी जगह है आप हीराकुट डैम सुनते हो तो हीराकुट डैम बेसिकली वहीं पे है संबलपुर में है काफ़ी फेमस है इसके लिए सो नाउ वी हैव टू वन थिंग कि मतलब वाई इज़ इट सो मच इम्पोर्टेंट देखो स्किल इंडिया की मैं जब भी बात करता हूँ स्किल इंडिया स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की एक तरह की नो तो, कि, कि 2015 में ही इस को कर दिया गया था ऑफिशियली जुलाई 2015 में इट वाज बैक इन जुलाई 2015 दिस इनिशिएटिव दैट स्किल इंडिया वाज लॉन्च्ड पता है ये बात इसको लॉन्च किया गया था और अब आप ये देखो कि लगभग नौ साल हो गए हैं तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है स्किल इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च हुए हुए ठीक है वी ऑल नो दैट तो अब आप यहाँ पे देखो कि क्यों संबलपुर में लाया गया स्किल इंडिया सेंटर दिस इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इट इज टू इंश्योर सीमलेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग इकोसिस्टम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हम जब बात करते हैं वो डेजिग्नेट करेगा सेंटर मैनेजर टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम उसकी क्वालिटी को देखा जाएगा क्या क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही एवरीथिंग विल बी नोटिस प्रॉपर्ली तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटर पे वो जो लो कॉस्ट कोर्स आएगा उससे बहुत लोग यहाँ पे एम्पावर होंगे ये बात आप ध्यान रखिएगा कमिंग ऑफ दिस लो कॉस्ट कोर्स एट द सेंटर लाजमत यंग जो पॉपुलेशन है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये ये आपको पता होना जरूरी है दिस इज वन थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है इतना सबको चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते माल्टा की मैं बात यहां पे करना चाहता हूं सबसे पहले हम लोग मैप पे देख लेते हैं वेयर एग्जैक्टली माल्टा उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे ये यह देखिए यहाँ पे देख रहे हैं माल्टा इटली या सिसली है ये नीचे है माल्टा जिसकी कैपिटल है एट वलेटा सी में आप देखते हैं काफी लोग यहाँ डेस्टिनेशन पे जाते हैं घूमने भी तो यहाँ पे है ये पहले तो आप ये देख लो मोल्टा ठीक है अब मोल्टा हैज बिकम वन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके हेडक्वाटर क्या है गुरुग्राम में गुड़गांव में हेडक्वाटर है दिल्ली के पास दिल्ली एनसीआर में बहुत बढ़िया ये चीज है और आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जो है उन पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को और प्रमोट करना चाहते हैं और इस मुहिम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है वो जुड़ती जा रही हैं दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग तो आप ये देखो एवर यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिसेंटली आर्मेनिया रोमेनिया ने भी ज्वाइन किया था आप देखोगे हर महीने कोई ना कोई कंट्री ज्वाइन करती है इसको विच एक्चुअली इज़ अ ग्रेट थिंग तो आई एस ए वॉज कंसीव्ड एज ज्वाइंट एफर्ट बाई इंडिया एंड फ्रांस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने तो सिग्नेटरी बन भी गई हैं और 2015 से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एफर्ट है ये लगाया जा रहा है दिस इज़ क्वाइट एन इम्पोर्टेंट थिंग तो मेंबर ड्रिवन ही कोलेबोरेटिव प्लेटफॉर्म है और अच्छी बात क्या है इसके हेड क्वार्टर्स इंडिया में है और इंडिया ने काफ़ी लीडरशिप रोल इसमें निभाया है इसको बनाने में मतलब इंडिया वॉज एट द फोर फ्रंट कि भाई हमें तो बनाना ही है और उस हिसाब से इसको बनाया गया तो ये आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि किस प्रकार से

तो ये आपको इनकी मतलब सिग्निफिकेंस पता होनी जरूरी है यू आर सपोज टू नो एंड नोटिस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशियव आया समझ में सो आई एम श्योर बट वन थिंग भाई आपको एक ठीक ठाक क्लैरिटी तो मिल ही रही होगी इन चीजों को लेकर क्लैरिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है एवरीबडी इज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रिसाइसली बस वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यू शुड हैव दैट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन दीज पॉइंट दैट इज इट क्लियर है तो आप खुद रियलाइज करोगे कि मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो खुद ही आपको मतलब ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़े जी तो आप ये देखिए रोमेनिया ने अभी एक मेंबर रोमेनिया बनी थी दिसंबर की बात है उससे पहले अगर मैं बात करूँ जैसे नवंबर में अभी सौ आर्मीनिया के वन नो सिग्नेटरी टू द आई एस कंट्री थी ये आर्मीनिया तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आ, दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं शेल वी मूव ahead? चलो अब आगे मैं जो बात करने वाला हूँ एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन है लेकिन इनको फ्रांस ने एक बहुत ही जो उनका इम्पोर्टेंट अवॉर्ड है उससे नवाजा है तो ये भी मैं आपको बात कर मतलब बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से लेजेंडी ऑनर जो अवार्ड है वो उनको दिया गया है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे टॉक तो अबाउट शशि थरूर तो इनको फ्रांस का हाइएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है तो आप ये देखेंगे इंडियन एम है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है और इनको मिला है शिवेलर डीला लेजेंडी ऑनर यू नो नाइट ऑफ द लेजेंडी ऑनर इनको मिला है हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है आप ये ध्यान में रखिएगा और जो इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस हैं उनको बहुत प्रभावशाली तरीके से बेहतर बनाया है यहाँ पे इन्होंने ये आप ध्यान में रखें सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग So, हमें कम से कम ये बात पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इस चीज को देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है बहुत बढ़िया याद रहेगा इतना तो ये मतलब लेजेंडी ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी जैसे ना ग्रैंड ऑफिसर ऑफिसर शेविलियर इस तरह से वो डिस्टिंक्शन रहती हैं सो so, ये आप याद रखेगा दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जी हो गया इतना सो so, मतलब ये पॉइंट आपको अगर पता है दिस मीन्स यूर एब्सोलूटली गुड टू गो और एग्जाम में तो ये चलो पूछा जा ही सकता है लेकिन वैसे भी अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ बहुत कम लोगों को शायद पता है कि जो शशि थरूर हैं वो यूनाइटेड uh, नेशंस पे भी काम कर चुके हैं ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमैट ऑफ कोर्स और इन्होंने यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था दैट्स वन थिंग ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि इन्होंने बीस से भी ज़्यादा फिक्शन नॉन फिक्शन लिटरेरी बुक्स लिखी हैं वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ और एज अ फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस, ही एज चैम्पियड ह्यूमेनिटेरियन कॉसिस इंटरनेशनली, एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं एक अंडर सेक्रेटरी जनरल होते हैं तो ये अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड अब आप एक चीज़ नोटिस करना uh, कि जो प्रेजिडेंट ऑफ द uh, फ्रेंच रिपब्लिक की हम लोग बात करते हैं ही इज़ अ ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेजेंडी ऑनर और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो शशि थरूर की हम बात करते हैं इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं जैसे यहां पे यू कैन अ लुक ये दिख रही है पैक्स इंडिका एक बहुत फेमस इनके द्वारा लिखी किताब है देन वी टॉक अबाउट अदर बुक्स एज वेल ये देखिए पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एयर ऑफ डार्कनेस वाई एम हिंदू ग्रेट इंडियन नॉवल ठीक है इंडिया फ्राम मिड नाइट टू मिलानियम ये सारी किताबें किससे लिखी हैं शशि थरूर ने लिखी है और भी कई किताबें हैं बट दीज आर सम ऑफ द फेमस वर्क जो कि इन्होंने किया है तो ये हमें पता होना चाहिए मतलब वी आर सपोज टू है गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस क्लियर नाउ हैविंग सेड दैट आप एक चीज़ नोटिस करिएगा मैं जब लेजेंडी ऑनर की बात करता हूँ तो नेपोलियन बोना पार्टी जो है उसने अठारह सौ दो में इसको क्रिएट किया था लेटर तो ये एमिनेंट सर्विसेज के लिए मिलने लगा पहले मिलिट्री ऑर्डर ही होता था ये आप नोटिस करिएगा वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज तो हाइएस्ट सिविलियन है अवार्ड गिवन बाय द फ्रेंच रिपब्लिक अगर आपने सर्विस टू द फ्रांस दिया है रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी बहुत सारे इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिला है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यू नो जुबीन मेहता की बात होती है शाहरुख खान है यू नो आ, लता मंगेशकर जी Uh, ये सबको सत्यजीत रे वगैरह को जे टाटा को मिल चुका है सो आर मोर पीपल हु हैव बीन बच्चन को मिला है ठीक है तो दस, आपकी नेशनैलिटी मैटर नहीं करती आपने फ्रांस के लिए अगर कुछ किया है वो यहाँ पर जरूर मैटर करेगा ये आप ध्यान में रखिए क्लियर हुआ इतना आगे बढ़े तो आप एक चीज नोटिस करना मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ मतलब आर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट्स वी हैव टू कीप देम इन माइंड्स हैविंग सेड दैट कर्नाटका गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट एनआरए मिनिस्ट्री फॉर द पीपल ऑफ स्टेट लिविंग एब्रॉड ये काफी इंपॉर्टेंट है डायसपोरा के हम लोग बात करते हैं कई बार उन्ही को कैटर करने के लिए यहाँ पे ये किया जा रहा है इसको आप ध्यान में रखें वेरी मच इम्पॉर्टेंट दिस पॉइंट इज वी है ठीक है नाउ एक चीज आप याद रखिएगा हम लोग कर्नाटका के होम मिनिस्टर की बात करते हैं जी परमेश्वर इन्होंने ले, लेस्ट असेंबली को बताया कि स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करेगी सेपरेट मिनिस्ट्री टू टेक केयर ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो कनेडिगाज है जो कर्नाटका के अब देखो होता क्या है हम लोग कई बार बात करते हैं कोई एन आर आई एन आर आई की ग्रेवेंसी समझें आप क्या है वो इंडिया से मतलब वो बाहर रह रहे हैं उनको हो सकता है इंडिया के लेटेस्ट लॉस के बारे में ना पता हो दे मे बी इन्वेस्टिंग इन इंडिया या वो कुछ खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो सारी जो चीज़ें हैं तो किस प्रकार से उनका जो निवारण किया जाता है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि इंक्रीजिंग ट्रेंड अमंग एनआरआई आर टू रिटर्न टू इंडिया देखा गया है और वो इंडियन इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसीलिए दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट हेयर और प्रोवाइड कर रहे हैं सी एस एर फंड फ्रॉम देयर ओन बिजनेस जो कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब फंड्स भी वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट तो अगर वो इतना कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ फैसिलिटेशन करनी चाहिए ना उनको हेल्प करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि 2008 में एन फोरम तो इन्होंने बनाया था लेकिन प्रॉपर मिनिस्ट्री बनना बड़ी बात है तो ये बात आप याद रखेगा जब भी मैं बात करता हूँ इनकी तो 2008 में वी सॉ विसो कर्नाटका गवर्नमेंट हैड सेटअप एन आर फोरम इनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एंड uh, डॉक्टर जो राधी कृष्णा है यू नो एज़ ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द फोरम हम लोग देखते हैं बट एनी वेज इज़ मोर इज कि इसी फोरम को आप देखते हो कि भाई ग्रो करते करते अब हमने

मूविंग ए हेड ऑन दीज लाइन्स ये आप ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है एडीए क्या है बेटे एडीए इज एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या साइन किया है बेसिकली एमओ यू साइन कर लिया है कि हम लोग फ्यूचर वेपन लगाएंगे सेंसर्स लगाएंगे किसमें लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस तेजस क्या हमारा एच का लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट बहुत बढ़िया तो यहाँ पे इस लोगों से आपको इतना तो पता चल रहा होगा एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बात आपको पता है सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड इन द करेंट हम जब भी वॉर सो की बात करते हैं बहुत नीड है टू मॉडर्नाइज द एयरक्राफ्ट तो आप यहाँ पे देखो 1984 में लगभग 40 साल पहले ये बनी थी एडीए ये कहाँ पर बेस्ड है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में तो ये पता होना चाहिए कि ए जो है कर्नाटका डेवलपमेंट एजेंसी मिनिस्टर डिफेंस की वो कहाँ पर है बेटे इट इज़ बेस्ड इन कर्नाटका बेंगलुरु क्योंकि देखो क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपको मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है सो so, आपको थोड़ा सा आ, मतलब पता होना चाहिए तभी आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी तो ये बहुत ध्यान रखना ए डी ए के बारे में और भी आपको बता दूंगा ठीक है आ, और जब ये बनी थी इट वॉज़ टू ओवर सी द डेवलपमेंट ऑफ लाइट कॉम्ब एयरक्राफ्ट प्रोग्राम मेनली और तेजस की डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है तेजस मार्क टू आप ले लो एम ए की हम बात करते हैं ना एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट वो हो गया या इवन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो है हमारा डी बी तो उसके अंदर आप देख लो तो मतलब चाहे वो आ, मतलब आयरन बर्ड की बात करो वर्चुअल रियलिटी की बात करो टनल फैसिलिटी यू नो एवरी थिंग विल फाइंड इन एडीए तो ये काफी हाईटेक फैसिलिटी है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब हम बात करते हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द वेपन्स एंड सेंसर जो है वो यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है ये आप नोटिस करिएगा तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत तरह से हेल्प करेगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ तेजस को और एनहांस करने के लिए सेंसर इंडिपेंडेंट की हम बात करते हैं वेपन इंटीग्रेशन है फैसिलिटी ऑपटेन फ्लाइट टेस्ट एवरी थिंग यू सी कि ए डी ए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की बहुत मदद करेगा इसीलिए दिस एम ओ यू इज़ ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इनके पास कंप्यूटिंग सेंटर भी है अपना ये आप याद रखिएगा मतलब यहाँ पे बहुत शानदार कंप्यूटिंग सेंटर है इनका अपना बैंगलोर के ही उसमें हेडक्वार्टो एडीज एक्चुअली गोइंग टू यू नो टेक तेजस टू न्यू लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है समझ आया इतना जी तो तेजस की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया इसलिए मैंने इसके हेडक्वार्ट आपको बता दिए आगे बढ़ा जाए मूविंग ए हेड वर्ल्ड्स हाइएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन जो है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया पैंगोंग सो लेक लद्दाख में वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अवेयरनेस फैलाई जा रही है मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर अबाउट वन ट्वेंटी रनर्स नो सेवन कंट्रीज टू पार्ट इन दिस पर्टिकुलर मैराथन दो चीज़ें होती है देखो एक तो ये मैराथन बहुत बढ़िया स्पोर्टिंग इवेंट है इंडोरेंस को टेस्ट करने के लिए अच्छी चीज़ है लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा बेटे इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इस तरह की जो मैरथन्स होती हैं इसमें आप क्या देखते हो कि भाई इंडिया अलग अलग रनर्स को बुला रहे हैं और एक तरह से हम उनको मैसेज दे रहे हैं कि ये पूरा इंडिया का है क्योंकि चाइना क्या करता है चाइना क्लेम करता है तो हम लोग उनको बताना चाह रहे हैं कि दिस बिलोंग्स टू इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है ये आप याद रखेगा एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटर्स वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये देखो ये पेंगोंग सो लेक है अब ये पेंगोंग सो लेक इस तरह से है और ये क्या है एल एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो कुछ इंडिया में कुछ चाइना में पर है तो ये लद्दाख में ये पूरा और ये पूरा एरिया तो हमारा ही है बट चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है इस इतने पार्ट को पेंगोंग सोले को तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज एनी अब यहाँ पे इसको बोला क्या गया मैराथन को ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये थियेस्ट्रल क्या है दिस इज वॉट कॉल यहाँ पे आई इम्पोर्टेंट दिस इज और यहाँ पे हम देखते इक्कीस किलोमीटर दस किलोमीटर की कैटेगरी में किया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है वहां पे तो 21 किलोमीटर भागना इज अ बिग know अगर आप बात करते हो कभी भी Pangong सो की तो Pangong सो लेक जो है वो बहुत ज्यादा हाइट पे है आई एम श्योर यूर अवेयर ऑफ दैट तो मतलब अगर आप देखोगे चार हज़ार मीटर से भी ज़्यादा है लगभग चौदह हज़ार फीट की हाइट है तो दैट्स नॉट अ जोक यू नो टू बी देयर एंड टू बी पार्टिसिपेटिंग चौदह हज़ार फीट के ऊपर अगर आप भाग रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंडोरेंस आपकी हाई होनी चाहिए दैट इज़ ऑल्टीट्यूड ठीक है सो so ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे uh, मतलब साढ़े चार हज़ार मीटर की जो ऑल्टीट्यूड है वहां पे हम लोग देखते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज किया गया आई होप यू रेडी फॉर द क्वेश्चन देन क्वेश्चन लेते हैं चलिए दैट्स फॉर टूडेज क्लास इट्जी ट्वेंटी फर्स्ट कोर कमांडर लेवल मीटिंग हेल्ड अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कहाँ पर हुई थी बेटे अच्छा अब आप देखो हम नाथूला की बात करते हैं है ना तो सिक्किम साइड आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है दिस इज नॉट द वन दौलत बेग ओल्दी तो हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वगैरह होता है बुमला भी यहाँ पे नहीं है यू नो बिकॉज वी हैव टू गो टू देन अरुणाचल साइड तो ये चुशुल है चुशुल मोलदो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट आगे बढ़े रिसेंटली वी सो शांति प्रयास अब देखो ये भी आप देखो शांति प्रयास कैसी एक्सरसाइज है पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए है कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया गया इसको नेपाल में मैंने आई थिंक नेपाल के किंग के बारे में भी आपको बता दिया ना वी हैव मतलब टॉकड अबाउट दैट आल्सो वीरेंद्र द किंग ऑफ नेपाल ठीक है तो बस आपने इतना याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो व्यक्ति रहे हैं एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना ठीक है क्लियर हो गया इतना इनका बेटा था ना दीपेंद्र मतलब ही वाज

विच कंट्री बिकेम द न्यू मेबर्स ऑफ इंटरसोलर लाइज तो कुछ दिन पहले तो रोमिया आर्मीनिया भी बने थे बट अभी इट इज़ मोल्टा मोल्टा हैज़ बिकम तो ये वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वेरियस आस्पेक्ट्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ें आपको कम से कम पता होनी ज़रूरी हैं और आप एक चीज़ नोटिस करना मतलब जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना दे आर वेरी कॉमन सेंसिकल ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सारे टफ ही हैं मतलब कॉमन सेंसिकल है तो आप आराम से आंसर कर लोगे नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलोइंग पार्लियामेंटेरियन हैज बिन अवॉर्डेड विद फ्रांस फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर तो, तो यहाँ पे क्या है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया इन्होंने किए हैं ऑफ दैट्स लोकेटेड ये आप ध्यान में रखिएगा तो ये काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तो आपको आसान लगेगा ये क्वेश्चन लेकिन जब एग्जाम में आता है बेटे

ऑन विच लेक रिसेंटली इंडिया में पैंग में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है वेरी इजी चलिए दैट्स ग्रेट कि आपको एक ठीक ठाक क्लैरिटी मिल गई ठीक ठाक आइडिया मिल गया है दिस इज एक्चुअली ग्रेट टू सी और uh, मतलब स्टूडेंट्स इतने अच्छे से मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है एनी वेज नाउ वॉट यू कैन डू एज यूलीम एमबाइप डॉट कॉम पर आप जाते हैं तो गेट स्टार्टेड आप करते हैं यू फिल इन योर मोबाइल या ईमेल आपको ओ वगैरह मिलेगा आप रजिस्टर कर लेते हैं ठीक है अब वंस यू रजिस्टर सो वॉट यू आर सपोज टू डू एज अच्छा ठीक है जस्ट होल्ड लेट मी सो यहाँ पे जैसे आपको यू विल फाइंड दिस ये देखिए सो आप वहाँ पे फिल करते हैं ये देखिए आपने यहाँ फिल किया आपने यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है फिर CDS या NDA जो भी है आपका उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको तेईस फरवरी तीन बजे क्लास है मेरी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा यू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ एंड देन यू सी मी लाइव एट थ्री पी एम ऑन दाइप डॉट कॉम फिर बाइब ऐप अगर आपने डाउनलोड किया तो बहुत अच्छी बात है तो आप ये नोटिस करें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब दिस एक्चुअली इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ये आप ध्यान में रखें जी सो वी आर सपोज टू हैव अ क्लियर कट आइडिया यहाँ पे मतलब हमें एक प्रॉपर जो क्लैरिटी है वो पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके हिसाब से ही आप सारी चीज़ें यहाँ पे समझ पाएंगे ये आप ध्यान में रखिएगा जी समझ आ गया इतना तो मतलब कुल मिला के देखो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं एंड आई वुड वांट कि आप हर क्लास का एक भरपूर फायदा ले यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरी क्लास प्रिसाइसली क्योंकि उससे ही आपको ना सिर्फ क्लैरिटी मिलती है बल्कि चीज़ों को एक अंडरस्टैंड करने का नजरिया आपका जो डेवलप होता है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखिएगा आई होप दैट्स एब्सोल्युटली फाइन सॉर्टेड है बेटे सो so, कोई अगर स्पेसिफिक डाउट है आपको तो मुझे बताएं एनी थिंग इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रिसाइसली यू श्योरली कैन लेट मी नो आया समझ सब कुछ जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आई होप यू हैव अ गुड लेवल ऑफ क्लैरिटी ऑन देम बस मैं वही आपको बता रहा था ना इतना अगर आपने कर लिया दैट इज फाइन अगर आप इतना समझ पा रहे हो दैट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन बहुत ज्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं है देखो कोई भी न्यूज़ आइटम है उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट अदर आस्पेक्ट्स ऑल्सो तो आई थिंक उससे आपको एक ठीक ठाक क्लैरिटी मिली गई होगी मतलब उसमें तो कोई फाइट है ही नहीं हाँ मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली कई चीज़ों को देखना पड़ता है वो मतलब अलग चीज है एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन आएगा बट आई फील कि अगर आपने मतलब अच्छे से कर लिया कोई भी चीज़ तो उसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं यह आप ध्यान में रखिएगा जी हाँ जी हाँ जी ठीक है क्लियर है सो so, एक चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ऑफ द डे का तो आंसर कर ही देना जैसे यहाँ पे टेस्ट करके एक चीज़ आती है आप क्लिक करते हो अच्छा एनीवेज ये तो पुराने फीडबैक है ओके okay. अब आप यहाँ पे ध्यान से देना वेन यू क्लिक ऑन द टेस्ट यू क्रिएट योर ओन टेस्ट अपना आप एक टेस्ट बनाते हो जनरल नॉलेज का मान लो ठीक है जनरल नॉलेज का आप जब टेस्ट बना रहे हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको कैसा टेस्ट करना है मतलब यू लिटरली कैन चूज एनी थिंग अंडर द सन जिसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो बुक पर्सनैलिटी के ऊपर कर सकते हो यू नो एनी लाइक आप उसके ऊपर कर सकते हो जैसे मान लो यू ऑन प्रॉब्ली वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी का आप कर रहे हो नाउ यू हैव योर ओन कस्टम टेस्ट क्रिएटेड आपके लिए अपना ही कस्टम टेस्ट बन रहा है यहाँ पे यहाँ पे यू क्लिक ऑन स्टार्ट द टेस्ट यू क्लिक ऑन कंटिन्यू तो आप देखेंगे कितना इंटेलिजेंटली यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन टेस्ट अब देखो इन चार क्वेश्चन में ही वो आपकी परफॉर्मेंस बता देता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो कहाँ पे पहुँच सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याडिंग इट एंड ट्रस्ट मी मतलब वंस यू हैव दैट गुड लेवल ऑफ आइडिया तो उसके बाद तो यू आर गुड टू गो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं मतलब आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रैंडमली आप कुछ भी जैसे चूज कर रहे हो यू नो एनी ऑप्शन यू बेसिकली आर चूज मान लो चलिए हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया टेस्ट अब वैन यू क्लिक ऑन सबमिट टेस्ट या आप ध्यान दें आपने सबमिट टेस्ट क्लिक कर दिया है

अचीव में क्या होता है यू आइडेंटिफाई द गैप यू पर्सनलाइज योर स्टडी प्लान एंड देन यू गेट सर्टिफाइड देन यू क्लिक ऑन स्टार्ट अचीविंग नाउ ठीक है स्टार्ट अचीव जर्नी और मतलब यहाँ पे यू आप अपनी स्किल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो यू नो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली यू कैन फोकस अपॉन दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग सो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आप अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर पाते हो यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपने कभी नहीं देखा होगा ये बात आप याद रखेगा This is very much important. जी, बहुत बढ़िया ये समझ आ गया सबको तो इसमें तो कोई आई थिंक दिक्कत वाली बात नहीं है एवरीबडी बस ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था एंड मिलते हैं लाइव एट इलेवन एएम ऑफकोर्स सी डी एस चैनल पे और तीन बजे तो ऐप पे मिलेंगे ही तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे जय हिंद जय जाह भारत Keep imbibing. We believe in you.